आप ऑर्डर पढ़ लेते थोड़ा सा तो मुझे लगता है आपको शर्म आती बहुत ज्यादा अपने आप पर कि आपको जज साहिबा कह रही है कि इन्फेक्शन की तरह ये डिजीज फैल रही है। और ये डिजीज क्या है? ये डिजीज है आप जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली पढ़ने आते हैं लेकिन चंद प्रोफेसर की वजह से, जैसे उमर ने अपने भाषण में कहा कॉमरेड्स इन द फैकल्टी, वो जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी है जेएनयू में, और मैं बता रहा हूं उनकी संख्या बहुत कम है, अधिकतर जेएनयू के टीचर्स पढ़ाते हैं लिखाते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जिनका काम सिर्फ नक्सली माओवादी देश छोड़ने वाले देशद्रोही सेपरेटिस्टों को पैदा करना है, और आप जैसे लोग भी उनकी उपज हैं जो कि बातें कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और करते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनका उनको प्रॉब्लम है, उनको ये पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट दी स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट के द्वारा भी लगाए गए, ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए। आप कौन सी भुखमरी और गरीबी की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए जहां पर वाम मोर्चा की सरकार ने 35 साल तक राज किया, वहां पर देखिए कि गरीबों की क्या स्थिति आज। आपको गरीबी सामंतवाद और ये सारे शब्द अब याद आ रहे हैं कि जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है, क्योंकि आपको आज 2G 3G जीजाजी कोलगेट जैसे घोटाले नहीं मिल रहे हैं, आज आपको विरोध करने के लिए और बातें नहीं मिल रही हैं, तो आप शब्दावली खोज के लाइए इंटॉलरेंट। अरे ये देश तो कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश तो एक्सेप्टेंस के सिद्धांत पर बना है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर की उस भाषण में शिकागो में कहा था, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। यानी कि ये तो भारत की संस्कृति है कि हम मानते हैं कि अलग अलग मार्गों से होते हुए भी एक ही भगवान तक यानी कि एक ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि भारत में तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं लेकिन आप जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा ने यूएसएसआर में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी थी, उस विचारधारा ने चाइना में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है, देखिए तिब्बत के लिए किस तरह से मॉन्क्स मर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि नक्सलवादी हमारे देश में बंदूक के दम पर लिबरेटेड जोन बना रहे हैं, नक्सलवादी हमारे देश के साथ लड़ रहे हैं, और माइंड कीजिए वो बीजेपी या एबीपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो आरएसएस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के साथ लड़ रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा चलने वाले इस देश के साथ वो लड़ रहे हैं। और जब आप नारा लगा रहे थे और जब ये लोग वहां पर बाकी जो अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जेएनयू में जब वो नारा लगा रहे थे बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, आप कहते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदारी आपने उस समय खूब निभाई कि वहां पर आप बाद में खड़े होकर आपने भाषण दिया तो एक शब्द में कंडेम भी नहीं किया कि इस प्रकार की नारेबाजी वहां पर हुई थी, वो नारेबाजी गलत है। इसलिए आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक बात रही पटियाला हाउस कोर्ट में जिन लोगों ने वायलेंस करी, उन लोगों को शायद थोड़ा सा राष्ट्रवाद सिखाने की आवश्यकता है, उन लोगों को इस देश के संस्कार शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिले, क्योंकि ये देश सच में कम्युनिस्टों के कंगारू कोर्ट की तरह नहीं चलेगा, ये देश डेमोक्रेसी के आधार पर चलने वाला देश है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, वी आर प्राउड ऑफ आवर जुडिशियरी। हमें विश्वास है और आज भी इसलिए मुझे विश्वास है कि जब ये जजमेंट आएगा जिसमें कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।